जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि उनका जीवन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। इन्हीं विचारों से उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना की और जीवन पर्यंत इसे मूर्त रूप देने के लिए कार्य किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंत्योदय के भाव से पिछले एक दशक में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। आज भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हमारी आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार देश में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का अमृत काल ही हमारे गौरव काल है। उन्होंने स्थानीय उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत कार्य करने का आह्वान किया है। धनखड़ ने कहा कि पंडित उपाध्याय के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को सदैव याद किया जाएगा। इसके साथ इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सीएम शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रमुख सिद्धांत है। इससे समाज में सभी वर्गों और व्यक्तियों को समान महत्व मिलता है, जिससे राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रभावी रूप से प्रशस्त होता है। शर्मा ने कहा कि पंडित उपाध्याय का अंत्योदय का विचार लोक कल्याण का प्रमुख आधार है और राज्य सरकार इस विचार को योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में समाहित करते हुए आमजन का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। वहीं इस आयोजन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन अंत्योदय सिद्धांत के तहत मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्मारक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और स्मारक परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।